हेलो गाइस, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आ चुके हैं स्वामी नारायण मंदिर भरूच में। जो है ये मंदिर पड़ता है आपको NH 48 पर, NH 48 बड़ोदरा से अगर आप सूरत जाएंगे तो इस मंदिर में ज़रूर रुकिए। यहां पे आपको मन को बहुत शांति मिलने वाली, डायरेक्ट आप गॉड से, ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे। ऐसी एकदम शांति मिलने वाली जगह है ये। तो चलो मंदिर को थोड़ा देखते हैं, कितना खूबसूरत है ये मंदिर। हमें बाहर से देखने पे ये मंदिर बड़ा ही खूबसूरत लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन, पेड़ पौधे, खूबसूरत नज़ारा है मंदिर का। बड़ा ही तसल्ली से बनाया गया है इस मंदिर को। तो देखते हैं इस मंदिर को चल के। चलिए
दोस्तों, इस मंदिर में आकर आत्मा तृप्त हो गई मेरी तो। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, इतना खूबसूरत है इसे, इतना खूबसूरत बनाया गया है, बहुत ही सुकून इत्मीनान और आराम से बनाया गया है इसको। और अगर आप इस रूट से जा रहे हैं और यहाँ नहीं रुके तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी समझो। लेकिन यहाँ जब आप आएँ तो खूबसूरती पर नज़र ज़रूर रखें। BHPS का फुल फॉर्म क्या है मैं बता देता हूँ आपको, बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ये BHPS का फुल फॉर्म है। और यहाँ मंदिर के साथ साथ गार्डन है, मंदिर बीच में है, मंदिर और उसके आसपास बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, तो यह जगह आपको मन की शांति ज़रूर मिलेगी यहाँ आकर। मैं तो कहता हूँ मंदिर हो तो ऐसा हो जहाँ पर मंदिर में सीधे आप भगवान से कनेक्ट हो जाएं। और हाँ, मुझे भरूच इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर एंटर करते ही नर्मदा नदी के दर्शन होते हैं और बहुत ही सुंदर ब्रिज भी आता है एक बीच में। और हाँ, इसके अलावा यहाँ पर आपको खूबसूरत मोहन थार मिलेगा, प्रसादी के रूप में मिलेगा, जिसे आप अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे बांटिएगा। तो मोहन थार कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। और हाँ, कहने को तो केवल ये प्रसादी है लेकिन बहुत ही टेस्टी है ये, गुजरात और राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर है ये बेसन और घी, चीनी और ड्राई फ्रूट से बनाया जाता है। आप यहाँ से इसे खरीद सकते हैं, इस प्रसाद को, मोहन थार का प्रसाद मिलता है। मैं आपको चख के बताता हूँ कैसा लगता है, वाकई में बड़ा ही स्वादिष्ट है, मीठा है, शानदार है। तो मोहन थार का प्रसाद भी आप यहाँ आए तो ज़रूर इस प्रसाद को लें, देसी घी से बना हुआ है, मेरा ये फेवरेट बन चुका है, बड़ा ही स्वादिष्ट है, बड़ा ही स्वादिष्ट। तो आप यहाँ आए तो ये प्रसाद ज़रूर लें और मंदिर के दर्शन, यहाँ से गुजरें तो आप ज़रूर मंदिर के दर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।